आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के कुछ सच के बारे में, जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा जरूर कर दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समाज में गलत चीजों को बढ़ावा खूब दिया जा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स यह बोल रहे हैं कि आप अपने वाइटल एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि लिमिट में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा बकवास है जो हमें सिखाया जा रहा है। जो इंसान इनकी बातों में आ गया वो अपना जीवन खराब कर लेगा। इसलिए आप लोग इन लोगों की बातों में ना आओ। जो हमारे ऋषि मुनि बात कह गए हैं, उन बातों का आप ध्यान रखो। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इन लोगों की बातों में आप मत आओ जो पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे कई लोग हुए हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वो युवाओं को यह सलाह भी देते थे कि आप सभी युवाओं को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ये भी हमेशा यही बात कहते थे कि 25 वर्ष तक सबको ब्रह्मचर्य करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस व्यक्ति के अंदर शारीरिक बल में वृद्धि होती है और वह मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती भाषण दे रहे थे ब्रह्मचर्य के ऊपर और बहुत सारे लोग उस भाषण को सुन रहे थे। जब भाषण खत्म हुई तब स्वामी जी को एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर आया था। वह स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी आप ब्रह्मचर्य के विषय पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, आपकी बातें प्रभावित भी करती हैं, आप ब्रह्मचारी हैं और मैं ठहरा पारिवारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, ऐसे में हमारी कोई तुलना ही नहीं, फिर भी मुझे आप में और मुझ में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। बैलगाड़ी वाले व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी जी केवल मुस्कुरा दिए। उनसे कोई जवाब ना पाकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। बाहर निकलकर वह अपनी बैलगाड़ी पर बैठ गया और उसे हाँकने लगा, लेकिन यह क्या, गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। दोनों बैल भरपूर जोर लगा रहे थे किंतु गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। वह व्यक्ति परेशान हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा स्वामी जी बैल गाड़ी का पहिया पकड़े हुए हैं। उसे अपनी भूल का और ब्रह्मचर्य की शक्ति का आभास हो चुका था। वह बैल गाड़ी से नीचे उतरा और स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन है। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। जय श्री राम।